अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मंडे है, पाकिस्तान से आए हुए सेकंड डे है, तो हमने कहा सबसे पहले आसिम के पास चलते हैं। तो ये गाजर का हलवा उसने मंगवाया था, उसे बहुत पसंद है गाजर का हलवा, कुछ गिफ्ट्स वगैरह, और जो मैं उसके लिए ग्लासेस लेके आई हूँ वो लेके जा रही हूँ। और लेकिन ये है कि बिजली आज नहीं है पूरे पाकिस्तान में, तो और सुबह से यूपीएस चल चल के वो भी खत्म हो गए, हो गया हुआ है। अंधेरे छा गए। अगर अंधेरा शंधेरा कम हुआ और प्रॉपर लाइट हुई तो फिर बाकी ब्लॉग बनेगा, नहीं तो फिर आपसे मुलाकात होगी उससे नेक्स्ट डे। ओके, आसिम का घर, आसिम का माशाल्लाह घर, ये नीचे वाला पोर्शन। अभी काफी सारी चीजें जो है वो होनी है, ये पोर्च बनेगा, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। मोटी हो गया ये? नहीं ना, हाँ जी भाई, अभी ये डोर्स का सारा पॉलिश वगैरह हो रहा है। ओके, ओके, अभी अभी तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना सारा कुछ। ओके नहीं जी, माशाल्लाह जबरदस्त ये किचन। ओके किचन, और ये चौकीदार है जी। ओके वाह जी वाह, गुड हो गया। बालकनी भी है। अच्छा 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 हाँ रहे। और कितना ओपन है, वेरी पीसफुल, वेरी पीसफुल। मैं तो बड़ा खुश, अपना घर अपना घर होता है यार। अच्छा मुझे ये वाह जबरदस्त, ये मुर्तजा का कमरा है जनाब, गुड। अभी सेटिंग हो रही है, सारा सामान वगैरह जबरदस्त। अच्छा माशाल्लाह जी, ऑफिस है कि बस ये थोड़ी पॉलिश वगैरह होनी है, इंटरनेट लगे हैं, चैनल आ गए हैं। अच्छा इंटरनेट भी आ गया, ऊपर अच्छा अच्छा, और 5 से 6 महीने लगते हैं वो टीजिंग प्रॉब्लम जी, वो काफी सारे प्रॉब्लम। हां जाहिर है टीजिंग प्रॉब्लम, 7-8 डेज हुए हमें। हां आपके ख्याल रख। अच्छा 7-8 डेज हुए अभी तो। नहीं ये मुझे उससे बड़ा लग रहा है, ये बड़ा है, ये स्पेशियस है। ये किसका कमरा है जनाब? वाह जी वाह, ये तो यार बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया हुआ ये तो। अस्सलाम वालेकुम, छोटी ना हो, you are so tall and I love you. Did you miss me? Everyone wants to see you. Bhaijan ko bhi, Bhaijan ko bhi mil lo. Bhaijan, hello mera beta. नमाज पढ़ते थे मेरे साथ बेटे, ठीक हो? Yes. Good boy. Good boy. दिस वॉज एक्चुअल उनकी रे बैन की फ्रेंचाइज थी, जेन्युइन फ्रेंचाइज से लिए। हाँ
ले फ्रॉम अंजुम मतलब है भाभी देखे ये एक्चुअल रे बैन की फ्रेंचाइज आपको लानी पड़ी। जैन ने पहन के देखी और उसमें स्मॉल जो थी वो बहुत थी, हाँ। तो लार्ज थी। नहीं यार ये तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद था आसिम ने कहा था मुझे मीडियम वाली सही आती है, हाँ। तो मैंने तुम्हें यही कहा था कि मीडियम वाली लो। ये आपके लिए थैंक यू सो मच, आप हमेशा कुछ ना कुछ लेके आ रही हो। काफी लॉस्ट की है चीजें। हाँ मुझे बड़ा दुख हुआ था। मुर्तजा पप्पू हैज ब्रॉट यू मेनी मेनी थिंग्स कबाब घर के बने हुए है ये है जी दाल माश, ये है हमारा पालक पनीर, ये है हमारा जी ये मुझे लगता है दुम्बा कढ़ाई है ना जी आपका, और ये है चिकन कढ़ाई, ये चिकन कढ़ाई है असल वो जो बकरे की कढ़ाई है ना, ये खोल इसको वो मैंने कहा ज्यादा ठंडा ना नहीं आपा बोले रही मुझे, और आपा ये भी है चने की दाल, नहीं ये चिकन, ये चने की दाल हो गई, ये चिकन कढ़ाई है, वो दुम्बा था, ये दुम्बा कढ़ाई है, ये हमारे नान है जी, और गरम तवे और ये है जी हम, और गरम तवे की रोटी भी आ रही है, और ये इतनी प्यारी सी जो है ये साइमा, ये थे कबाब बहुत ही यम्मी, तो बस शुरू करते हैं, चले जी चले शुरू करें। वाह भाई वाह, सो देयर इज अ लाइट इशू, लेकिन हमने ये कुछ कैंडल्स ऑन की हैं, और कसम खुदा की मजा ही आ गया। पालक पनीर कैसी लगी आप, आपको पालक पनीर इतना गरम गरम मुजीब भाई की फेवरेट दालें एंड सम पालक पनीर दुम्बा तो लगी। वाह भाई हां दुम्बा तो करते हैं, चिकन खा लेंगे आज, मैं चिकन खा लूंगा, चिकन खा लेंगे आप। आज पूरे मुल्क में पावर ब्रेक डाउन है, यही ना आते ही वो कहते हैं ना ये हो गया, ये हो गया। मैं तो पाकिस्तान की तारीफें करती हूँ, लेकिन जो भी आपा लाइट और बिजली और नो बिजली, वो क्या कहते हैं ना आपा, वो क्या एक सेंगे, ना बिजली है ना पानी है फिर भी दिल पाकिस्तानी है। फाइनली जी गाजर का हलवा साथ गर्मा गर्म चाय, और सारे हमारा इस वक्त खाना खत्म हो गया, और अब हम बड़ी पतली सी प्यारी सी हुई भी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शिफ्टिंग की वजह से ना बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा, कभी इधर लग जाएगी वो, कभी हमारे लोगों में जन्म में तो थी गाँव में, हमारे गाँव में भी सरे शाम को 4 बजे मेरी नानी लालटेन वगैरह साफ करवा लेती थी, हाँ हाँ इसके अंदर दिया अंदर घरों में बनाते उस वक्त की हमारे हवेली जो कहते बाहर की जगह जगह अंधेरे से पहले तो सफाई करनी होती, हाँ, और फिर लोग जल्दी बच्चे भी खेलते करते, हाँ, बाय द टाइम 8:30 सब मैक्सिमम एवरीबॉडी, अभी भी गाँव में लोग अर्ली डिनर कर लेते हैं, लकड़ी की आग, हाँ टीवी आ गई है, तो ये जो यंग बच्चे हैं ये लोग देयर बिजी वाचिंग थिंग्स एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी बड़ी हेल्दी लाइफ स्टाइल था ये, अब हम लेट सोते हैं एग्जैक्टली लेट सोते हैं, अब मैं बोल मोबाइल में कह रहा था कि क्योंकि गर्मी में सारे सोते बाहर थे, हाँ छतों पे, हाँ हाँ एसी तो नहीं होती,
एग्जैक्टली सो सकता ही नहीं बंदा। इसी तरह तो सारे गांव में बारिश हो रही होती थी तो रोशनी आई है तो हमने अपने बिस्तरे लेके ना अंदर भी जाते थे। हाँ थोड़ा सा और सो थोड़ा सा घंटा और आपको याद है सबसे सबको कितनी डांट पड़ती थी। हाँ मेरी नानी कहती थी कि नहुसत हो जाती है और ये लोगों की नींद नहीं जल्दी सोया करो। हाँ सही होता तो मुझे बता लीजिए जब आप कैमल कलर है और मैंने मुझे लग रहा था कि ये आपके ऊपर बहुत सूट करेगा क्योंकि आपका वैसे भी ना वो इस तरह के कलर्स आपको अच्छे लगते हैं। और अपा थैंक यू सो मच फॉर दीस थिंग्स। और ये मुर्तजा के हम देखते हैं बिगिस कैन यू स्टैंड अप व्हाई डोंट यू स्टैंड अप कम चलो। ओ माशाल्लाह मुर्तजा लंबा हो गया है ये देखिए आप। हाँ इसके सही है बिल्कुल आ जाए हुडी है ये सही हमारी विंटर्स के लिए स्टैंड के लिए। सबसे ज्यादा खुश तो मैं अपनी स्वेटर्स से। ये जितनी भाभी हमने शॉपिंग की है ना ये वो नहीं है कि एक शॉप पर नाइकी भी होती ये फ्रेंचाइज है सारी जी नाइकी की फ्रेंचाइज। तुम कह रही थी ना ये बनाए चले जाओ दो दिन में भूपन तो वापस कर देना उन्होंने क्या नहीं क्या मिला दी नहीं अपना खेलता रहता है तो भी है बहुत अच्छा खाना पसाइमा थैंक यू। अभी आप लोगों ने भाई को बता दिया और आप हम थोड़ा सा सेटल हो जाए एंड लाइट भी होगी तो इंशाल्लाह फिर हम बारबेक्यू करेंगे या दोबारा फिर कोई पार्टी लीव इट ओके बेटे अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। तो घर हम वापस जा रहे हैं खाना आसिम मामू के घर हमने खाया बड़ा मज़ा आया। इस वक्त तकरीबन 9:30 का टाइम है बड़ी खुशी हुई है अपने मुल्क में वापस आके अपने भाई से मिल के। लेकिन आप सबको भी पता ही होगा कि आज सारा दिन पूरे दिन के लिए बिजली बंद थी तो बड़ा दुख होता है इस तरह के हालात देख के मुल्क के। तो अपना ख्याल रखना चाहिए यार मुल्क अपना बहुत अच्छा है ये हमें तब पता चलता है जब हम पूरी दुनिया में घूम के आए तो हमें फिर पता लगता है कि यहाँ पर हमें अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से नवाजा है कितनी नेमतों से जन्नत है जन्नत पाकिस्तान मौसम के लिहाज से लोगों के लिहाज से जो हमारी कल्चर है उसके हिसाब से। तो इसकी हमें कदर करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए मिलके कि ये कोशिश कदर दुआ कोशिश ताकि हमारा मुल्क जो है दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे आमीन। और इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग के साथ आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़।